दोस्त मेरा नाम है विपुल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। ये आपके सामने खड़ी है भाई सेवरेला का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो पहले था भाई, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा था ये भाई सेवरेला का। ये है भाई सेवरेला बीट, इसका एल टी वेरियंट जिसकी एक्सोरूम पड़ती थी 538 ऑन रोड, लगभग भाई 640 की ऑन रोड पड़ जाती थी। तो हमें 2012 का ये वेरियंट है, तो उस टाइम पर हमें क्या कुछ इसमें मिलता था। इंजन तो भाई इस गाड़ी में हमें 1 लीटर का पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर इंजन मिलता था, जिसकी भाई सेवरोले क्लेम करता था 24 की एवरेज, 57 bhp और समथिंग लाइक 120 nm ऑफ टॉर्क का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता था इंजन। भाई बहुत ही फेमस इंजन था, बहुत ही सक्सेसफुल इसकी गाड़ी में। 1595 mm इसकी चौड़ाई थी, लेंथ भाई आप किसकी देख सकते हैं इसकी, बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट सी गाड़ी थी ये लगभग इसकी, लेकिन चौड़ाई इसकी अच्छी खासी थी 1595 mm में, इसलिए गाड़ी वैगनार से भी हमारी कॉम्पीट करती थी। इसके यहाँ से लाइट चल के इसकी यहाँ तक बिल्कुल देख रहे हैं आप, जैसे स्विफ्ट की बिल्कुल बोनट तक, पूरे बोनट तक फैली रहती है। यहाँ ऐसे कुछ हैलोजन लाइट इसकी रहती थी और इसका थ्रो बहुत अच्छा था इस हैलोजन लाइट का। और डुअल वॉशर और डुअल वाइपर इस गाड़ी में हमें मिलते थे। इसका एल टी वेरियंट है, आप समझ सकते हैं टॉप एंड लाइन का वेरियंट आप ये समझ सकते हैं। फ्रंट में भी इसकी लुक देखो, इस तरह की कुछ कर्वी से इसकी लुक मिलती थी। सेवरोलो का इतना बड़ा लोगो, कुछ इस तरह की ग्रिल हमें यहाँ पे मिलती थी भाई। फोग लाइट इसमें हमें यहाँ पे अवेलेबल रहती थी, कंपनी फिटेड फोग लाइट है। 175 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हमें मिलती थी। क्रोम का यूज़ भी आप देख सकते हैं। और इसमें कलर भी आपको पता है, लाइट ग्रीन, तोतिया कलर, ऐसे ऐसे कलर आते थे इस गाड़ी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी ये रहती थी भाई, ठीक है। लेकिन स्पेस अच्छा खासा था इस गाड़ी में। इस तरह के भाई एलॉय व्हील नहीं है, स्टीलिंग ही है, लेकिन लगते हैं जैसे एलॉय है, लेकिन स्टीलिंग ही है नॉर्मल 14 इंचज़ के। फेंडर पे हमें इंडिकेटर मिलता था, इस तरह के ORV हमें यहाँ पे मिलते थे भाई, ब्लैकआउट ही। ये हमें बॉडी कलर मिलते थे भाई, ये बाद में लगवाया, कोई टूट गया होगा ओनर ने। इस तरह के हमें डोर हैंडल्स मिलते थे। और जो अब स्विफ्ट अल्ट्रोज जो अब करते हैं ना, वो सेवरोलो ने बहुत पहले कर दिया था। ये चीज़ देख रहे हो भाई, ये सेवरोलो पहले से यहाँ पे हमें खुलता था। हमें ऊपर रूफ रिल्स भी इसमें हमें मिलती थी भाई, ठीक है। इस तरह की क्रोम बीडिंग हमें साइड पे नहीं मिलती थी, पीछे भी हमें इस तरह के व्हील मिलते थे। पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स मिलते थे इसमें भाई, ठीक है। और इस तरह के कुछ इसकी साइड से लुक निकल के आती थी भाई, बहुत गजब लगती थी गाड़ी। पीछे से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी लुक निकल के आती थी। इस तरह की इसके आप देख सकते हैं टेल लाइट, रियर वाइपर, डिफोगर, ये हमारी ब्रेक लाइट, इंडिकेटर और ये रिवर्स लाइट। कोई रिवर पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर स्टैम्प पे नहीं आता था। फ्यूल टैंक भी हमें ड्राइवर साइड मिलता था भाई, रियर डिफोगर, वाइपर, LT की बैजिंग। कोई रिफ्लेक्टर्स हमें 2 इसमें मिल जाते थे, लेकिन रिवर्स पार्किंग सेंसर हमें नहीं मिलते थे भाई। तो इस तरह